जंगल में चीकू कबूतर की एक गोलगप्पे की दुकान थी। चीकू कबूतर बहुत ही स्वादिष्ट गोलगप्पे बनाता था। जंगल के सारे पक्षी अनाज के दाने लाकर देते और उसके बदले में गोलगप्पे खाते थे। वहीं एक कालू कौवा और कव्वी रहते थे। वे दोनों बहुत ज़्यादा आलसी थे। एक दिन कव्वी ने कव्वे को कहा, अरे कव्वे जी, मैंने सुना है कि चीकू कबूतर ने गोलगप्पे की दुकान खोली है और वह बहुत ही स्वादिष्ट गोलगप्पे बनाता है। चलिए ना, हम उसके पास चलकर गोलगप्पे खाकर आते हैं। अरे कव्वे जी, हमारे पास खाने के दाने ही नहीं हैं। हम कैसे उसके पास जाकर गोलगप्पे खा पाएंगे? वो अपने गोलगप्पों के बदले बहुत सारे अनाज के दाने मांगता है। तो कव्वे जी, फिर आप कहीं जाकर उन अनाज के दानों का इंतजाम करिए ना। मुझे तो आज का आज ही गोलगप्पे खाने हैं। अरे कव्वे जी, तुम भी बहुत परेशान करती हो। हम दो वक्त के लिए भी अनाज के दाने नहीं जुटा पाते हैं और आप गोलगप्पे खाने की बात कर रही हो। थोड़ी देर बाद कव्वे जी कव्वे को कहती है, अरे कव्वे जी, मेरे दिमाग में एक आइडिया आया है। हम ऐसा करते हैं, चीकू कबूतर को जाकर पागल बनाते हैं। हम उसे कुछ बहाना बनाकर उसकी दुकान से बाहर भेज देंगे और फिर उसकी दुकान के गोलगप्पे चट कर जाएंगे। अरे वाह कव्वे जी, तुम्हारे दिमाग का तो जवाब नहीं। चलो चलते हैं गोलगप्पे खाने। इतना कहकर वे दोनों चीकू कबूतर के गोलगप्पे की दुकान की ओर चल देते हैं। अरे कबूतर भैया, तुमने तो बहुत अच्छी गोलगप्पे की दुकान लगाई है और सुना है तुम बहुत स्वादिष्ट गोलगप्पे बनाते हो। हाँ हाँ कव्वे दीदी, मैं बहुत अच्छे गोलगप्पे बनाता हूँ। कहिए आपको कितने गोलगप्पे खाने हैं। अरे कबूतर भैया, हमें गोलगप्पे नहीं खाने हैं। हम तो आपको ये बताने आए हैं कि आपके दोस्त तोते जी आपको बुला रहे हैं। उन्होंने कहा है कि कबूतर को बहुत जल्दी ही मेरे पास भेज देना, मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरी काम है। अरे कव्वे जी, अगर मैं यहाँ से चला गया तो मेरी दुकान पर कौन रहेगा? इतने में कौवा कहता है, अरे कबूतर भैया, हम दोनों हैं ना, हम दोनों तुम्हारी मदद के लिए ही यहाँ आए हैं। हम दोनों जब तक तुम्हारी दुकान पर रुक जाते हैं, तुम आराम से जाकर तोते भाई से मिलकर आ जाओ। इतना कहकर चीकू कबूतर वहाँ से चला जाता है और इधर मौका पाकर कव्वा और कव्वी कबूतर के कई सारे गोलगप्पे चट कर जाते हैं। उधर कबूतर जब वापस अपनी दुकान पर लौटता है तो वह कव्वे और कव्वी से पूछता है, अरे कव्वी जी, यह मेरी दुकान से पानीपुरी कौन खा कर गया है? क्या बताऊँ चीकू कबूतर भैया, वो टिन्नू चिड़िया आई थी। उसने हमसे कहा कि आप उसे हमेशा ही उधार में पानीपुरी खिलाते हो। उसने कहा है कि वह आपको पैसे बाद में दे देगी। अच्छा, टिन्नू चिड़िया यहाँ से गोलगप्पे खा कर गई है। मैं तो किसी को उधार नहीं देता हूँ। मैं शाम को ही जाकर उससे अनाज के दाने लेकर आऊँगा। इतना कहकर कव्वे और कव्वी वहाँ से चले जाते हैं। शाम को जब कबूतर टिन्नू चिड़िया के घर पे पहुंचता है तो वह उससे कहता है, अरे टिन्नू बहन, तुमने मेरी दुकान से गोलगप्पे खाए और मुझे अनाज के दाने भी नहीं दिए, मुझे कव्वा और कव्वे बता रहे थे। अरे चीकू कबूतर, मैंने तो कोई गोलगप्पे नहीं खाए। मैं तो आज तुम्हारी दुकान की तरफ आई भी नहीं हूँ। ऐसा कैसे हो सकता है? लगता है वो कव्वा और कव्वे तुमसे झूठ बोल रहे हैं। नहीं टिन्नू चिड़िया, मेरी दुकान से गोलगप्पे गायब हुए हैं और उन्होंने तुम्हारा ही नाम लिया है। मैं कल फिर आऊँगा तुमसे पैसे मांगने के लिए। इतना कहकर चीकू कबूतर वहाँ से चला जाता है। अगले दिन फिर कव्वा और कव्वे चीकू कबूतर की दुकान पर आते हैं और वे उससे फिर से कहते हैं, अरे कबूतर भैया, आज उल्लू बाबा बड़े ही दर्द में थे और वे आपको पुकार रहे थे। आप जल्दी से जाकर उनके पास होकर आइए, तब तक के लिए हम आपकी दुकान पर रुक जाते हैं। अच्छा कव्वे बहन, मैं भी जाता हूँ, लगता है उल्लू बाबा बहुत ज़रूरत में है। इतना कहकर चीकू कबूतर वहाँ से उड़ जाता है। रास्ते में उड़ते उड़ते वह सोचता है, अरे ये कव्वा और कव्वी कितने अच्छे हैं, ये दोनों मेरी दुकान पर ऐसे ही बैठे रहते हैं। मैं उनसे अभी बोलकर आता हूँ कि अगर वे चाहें तो कुछ गोलगप्पे मेरी दुकान से खा सकते हैं। इतना कहकर चीकू कबूतर वापस अपने गोलगप्पे की दुकान की ओर मुड़ जाता है। लेकिन जब वह अपने गोलगप्पे की दुकान के पास पहुंचता है तो देखता है कि कव्वा और कव्वी उसके गोलगप्पे चट कर रहे होते हैं और साथ ही वे बात भी कर रहे होते हैं। अरे हमने उस कबूतर को कितना मूर्ख बनाया और वह बन भी गया। आज फिर से हमें गोलगप्पे खाने का मौका मिल गया। इतना सुनकर चीकू कबूतर गुस्से में उनके पास आता है और उनसे कहता है,
अरे कब्बे और कभी, तुम कितने बड़े झूठे और मकार हो। मैंने तुम दोनों को देख लिया है कि तुम ही मेरी दुकान से गोलगप्पे चुरा कर खाते हो। तुमने मुझे मूर्ख बनाया। कल भी टिन्नू चिड़िया ने नहीं, तुमने ही मेरी दुकान से गोलगप्पे खाए थे। अब तुम्हें लगातार 10 दिन तक मेरी गोलगप्पे की दुकान पर काम करना होगा। यहाँ पर सारी साफ सफाई अब से तुम ही करोगे। जितने गोलगप्पे तुमने खाए हैं उसके बदले में तुम्हें ये काम तो करना ही पड़ेगा। अरे ठीक है कबूतर भैया, हम तुम्हारी दुकान पर काम करने के लिए तैयार हैं। देखा कभी जी, तुम्हारे चक्कर में हम फंस गए ना, अब हमें यहाँ तुम्हारी वजह से 10 दिन तक काम करना पड़ेगा। तो दोस्तों, इस कहानी से आपको क्या शिक्षा मिलती है, हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। और साथ ही साथ ऐसी ही अनेक कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा।